Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खेल जब फिर शुरू होगा तो मोरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव क्लास में। दोस्तों, कई बार सफलता के शिखर पर होने के बावजूद भी हम ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमें गुमनामियों के अंधेरे में ले जाती है, लेकिन जो लोग धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के बल पर कठिनाइयों से हार नहीं मानते, निरंतर प्रयास करते हैं, सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी केस स्टडी जिसकी सफलता से आप परिचित हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। सदी के महानायक, अ मैन विद यूनिक पर्सनल एबिलिटी, अमिताभ बच्चन की। ९५ में जब अमिताभ बच्चन अपनी सफलता की बुलंदियों पर थे तो उन्होंने ABCL कंपनी की स्थापना की। ABCL स्टैंड्स फॉर अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इस कंपनी का मुख्य कार्य फिल्म का प्रोडक्शन करना और इवेंट्स का मैनेजमेंट करना था। कुछ बड़ा करने की चाहत में ABCL ने 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का आयोजन करने का निर्णय किया, लेकिन मिस मैनेजमेंट और पुअर प्लानिंग के कारण यह कॉन्टेस्ट विवादों में आ गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से इसकी शूटिंग शिफ्ट करके ईस्ट अफ्रीका में करनी पड़ी, जिसके कारण बजट 2 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन हो गया और कंपनी को $3 मिलियन का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को हमें फोकस करना होता है, जैसे रिसर्च, प्लानिंग एंड बजटिंग, रिव्यू, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। फ्रेंड्स, 150 कर्मचारियों के साथ कंपनी ने 15 फिल्में प्रोड्यूस की और अपना टारगेटेड बजट 15 करोड़ अचीव कर लिया, लेकिन बड़ा लॉस तो तब हुआ जब ABCL ने नॉर्थ अमेरिका में शोज करने का निर्णय किया। अगेन पुअर प्लानिंग होने के कारण कंपनी को बुकिंग तक नहीं मिल पाई और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया। लगातार प्रयासों के बावजूद भी ABCL का कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, जिसके कारण 1999 में सारे प्रोजेक्ट रुक गए और कंपनी के पास इतना भी फंड नहीं बचा कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे सके और कंपनी बैंककरप्ट हो गई। फाइनेंसर्स का पैसा चुकाने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपना घर प्रतीक्षा सहारा इंडिया के पास गिरवी रख दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और एक बार फिर से बाउंस बैक करने का निर्णय किया। इसीलिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो लेकिन उससे उभरने के लिए बाउंस बैक जरूर करें, और कठिनाई के इस दौर से उभरने के लिए अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास गए और उन्हें सारी अपबीती यश चोपड़ा को सुनाई और अपने लिए एक रोल की मांग की। ऐसे में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की मदद की और मोहब्बतें मूवी में अभिनय करने का मौका दिया। लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया और अमिताभ बच्चन ने अपनी यूनिक पर्सनल एबिलिटी का 100% उस फिल्म में दिया और मोहब्बतें फिल्म हिट हो गई। बैंककरप्ट हो जाने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन ने सारे फाइनेंसर्स का पैसा लौटाने के लिए विल पावर, हार्डवर्क, सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन के साथ बहुत सारे टीवी शोज और कॉमर्शियल में अभिनय किया और सारे फाइनेंसर्स का पैसा लौटा दिया, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग हो गई। मोहब्बतें की सफलता के बाद सन 2000 में लाइफ ने फिर से टर्निंग पॉइंट लिया और अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति KBC होस्ट करने का मौका मिला, और फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने दोबारा एनॉर्मस हाइट हासिल की और 2001 में AB कॉरपोरेशन की स्थापना करके 15 से ज्यादा हिट फिल्में दी। फ्रेंड्स, KBC कौन बनेगा करोड़पति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सफलतम टीवी प्रोग्राम बना, और इस प्रोग्राम को होस्ट करते समय अमिताभ बच्चन ने अपने दिल की बात अपने पिता की कविता के माध्यम से पब्लिक के सामने रखी, और मैं आपको श्री हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता फिर से आपको सुनाता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो,
जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने जब लिखी और अमिताभ बच्चन जी ने इसको केबीसी में पढ़ा तो उनके भाव अपनी सफलता के बारे में लोगों को बताना था। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन के संघर्ष की इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है और उन नियमों का अनुकरण अमिताभ बच्चन ने भी अपने जीवन में किया। टॉलरेट फेलियर एंड रिजेक्शन। अपनी लाइफ में आप कितनी भी बार असफल हों और कितनी भी बार रिजेक्ट हो जाएं, उसको टॉलरेट करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। डोंट कंप्लेन, जस्ट लर्न। अपनी असफलता के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ना ठहराएं, असफलता से हमेशा सीखें, उसमें सुधार करें और जीवन को हमेशा निरंतर प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रयास करें। क्रिएट सॉल्यूशन। आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करें क्योंकि आपसे बेहतर इसका समाधान कोई और नहीं कर सकता। ट्रस्टवर्दीनेस। बैंकरप्ट हो जाने के बावजूद भी जब अमिताभ बच्चन ने सारे फाइनेंसर्स का पैसा लौटा दिया तो लोगों का उनके प्रति विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया। इसीलिए लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लोगों का आपके प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एंड ऑलवेज बी हम्बल एंड थैंकफुल टू गॉड। हमेशा विनम्र रहें और ईश्वर का हर हालत में धन्यवाद करें। बी ऑप्टिमिस्टिक। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें क्योंकि जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो रिजल्ट भी उसी के अनुसार आपको प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने एक मुहिम चलाई है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, जिसके लिए हम पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम को लागू कर रहे हैं, मिशन 2021। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मिशन 2021 की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस मिशन की वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप इस मिशन से जुड़कर देश को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरी टीम से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ में है कार्डन बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज कंपनीज के डायरेक्टर विपिन जैन जी। विपिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन सर, हम लोगों की एक प्रथा है, जो भी गेस्ट हमारे चैनल पर आते हैं उनका मोमेंटो के साथ हम स्वागत करते हैं, तो एक गेस्ट ऑफ ऑनर मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ। थैंक यू। कार्डन बाथ फिटिंग एंड एसेसरीज के नाम से बाथरूम की एसेसरीज और किचन की एसेसरीज बनाते हैं, जो कि हम काफ़ी समय से बना रहे हैं। सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर नेटवर्क और बिल्डर्स लॉबी में काम करते हैं, जो कि हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हमने भी डॉक्टर साहब का वीडियो देखा और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करा, जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप भी डॉक्टर अमित महेश्वरी जी का वीडियो यूट्यूब के द्वारा देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं